Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखास किचन से। ये रेसिपी वन ऑफ माय फेवरेट है, मुझे बड़ी पसंद आती है। बैगन का भरता बहुत ही मजा आता है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं, बैगन का भरता है इनफैक्ट। चलिए ये है तकरीबन 350 ग्राम बैगन। देख लीजिए कि कहीं पर भी कोई छेद सुराख कुछ ना हो, नहीं तो कीड़ा अंदर होगा। और सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लेके चारों ओर बैगन के चारों ओर लगा दीजिए इस तरीके से, सो दैट जब हम छीलें तो क्विकली आसानी से निकल पाए। अब एक जाली रख दीजिए गैस के ऊपर और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करने के बाद उसे मीडियम कर दीजिए, और ये जो बैगन है आप इसे मीडियम से स्लो आंच के बीच में भून लीजिए। मीडियम मैंने मीडियम पे रखा है। अच्छा, उलट पलट थोड़ी थोड़ी देर में करते जाएं और चारों ओर से इसे भून लें। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा खड़े रख के भी भून लेती हूँ कि नीचे का साइड भी अच्छे से भूना जाए। अच्छा, आप चाहें ना तो ये जाली को शिफ्ट कर करके भी भून सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये जो ऊपर का जो साइड पोर्शन है जहाँ से आप जो डंडी है जहाँ से पकड़ते हैं उसे भी बहुत अच्छे से भून लीजिए, नहीं तो वो कच्चा ना रह जाए। अच्छा, ये देखिए, अब मैं छुरी की मदद से डाल कर देख रही हूँ तो प्रॉपरली आराम से अंदर चला गया, मतलब पूरी तरीके से हमारा बैगन हो चुका है। तो मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे प्लेट में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो इसकी जो ऊपर की छील है इस तरीके से निकाल दीजिए चारों ओर से। ये देखिए, मैंने सारा निकाल लिया है और ये देखिए ऊपर का जो पोर्शन था वो भी मैंने छुरी की मदद से काट लिया है। अब आप इस तरीके से रफली एकदम इसके बारीक बारीक पीस कर लीजिए। अब आप चाहें तो चम्मच की मदद से करें, फोक की मदद से करें, छुरी की मदद से करें। चलिए, ये सारा हो गया, मैंने उसे साइड पर रख दिया। मैं एक फ्रेशली मसाला कूट लेती हूँ। तकरीबन 6 कली लहसुन की है, छोटी छोटी है, एक हरी मिर्ची है और आधा छोटा चक्का चम्मच साबुत जीरा डालकर बहुत अच्छे से कूट कर इसे साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ये जो स्टेप है टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरा मतलब है ये जो फ्रेश मसाला आपने नहीं डालना है तो मत डालिएगा, या फिर आप कम भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2-3 लहसुन लीजिए, आधा हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल के कूट लीजिए और साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, आधा छोटा चक्का चम्मच जीरा डाल दीजिए और उसे तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज की प्याज को छुंदा काट के रखी हूँ, ये मैं डाल देती हूँ और इसे बार बार चलाते रहें। और इसे बस आपने सॉफ्ट करना है, जब तक हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता ना, बस वहाँ तक ही आपने इसे पकाना है फास्ट आंच पर। ये देखिए, कलर चेंज हो गया, बस ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और इसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। अब आप चाहें तो यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो वो आपने कूट कर रखा है ना फ्रेश मसाला, वो भी इस समय आप डाल सकते हैं, बट मैं एंड में डालूंगी। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर की छील निकाल कर इसे बारीक काट कर डाल दिया। अब आप इसे एक बार चला लीजिए स्लो आंच करके, इसे ढक कर 2-3 मिनट तक ही पकने दीजिए, सो दैट ये टमाटर है ना हल्के नम हो जाए। चलिए, 2-3 मिनट हो चुकी है, ये देखिए सॉफ्ट हो गए ना टमाटर 2-3 मिनट में। तो आप चाहें तो इस तरीके से स्पैचुला या चम्मच की मदद से थोड़ा सा टमाटर को प्रेस कर सकते हैं। अब हम मसाले डाल देते हैं। मैं यहाँ डाल देती हूँ 1/4 छोटा चक्का चम्मच नमक, 1/4 छोटा चक्का चम्मच हल्दी, 3/4 छोटा चक्का चम्मच धनिया पाउडर और मैं 1 छोटा चक्का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। हाँ, 1/2 छोटा चक्का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा समझिए ना, मतलब 2-3 टेबलस्पून जितना मैं पानी डाल देती हूँ और इसे स्लो आंच पर ढक कर पकने देती हूँ, जब तक इसका जो ये जो कच्चापन भी चला नहीं जाता और टमाटर थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे ढक कर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए, 3 मिनट हो चुकी है, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, तेल छूट चुका है, मसाला भून चुका है और टमाटर और अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या कीजिए, वो साइड पर आपने ये रखे हैं बैंगन, उन्हें पीस कर रहे हो, वो सारे डाल दीजिए। अच्छा, वो जो भी प्लेट पे लगा हुआ वो भी सारा डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए, ऐसा मिक्स कीजिए कि एकदम घुल जाए एक दूसरे में। ये देखिए, अगर काला काला वो जो छिलका मिले आपको तो निकाल कर फेंक दीजिए, कोई बात नहीं, कभी कभी रह जाते हैं।
अच्छा बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, सो दैट ये जो एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से घुल जाने चाहिए। ये जो मसाला मैंने साइड पर रखा है, मैं ये सारा डाल देती हूँ। अच्छा आपने देखा, मैंने हरी मिर्ची इसमें कूटने में डाली एक, और लाल मिर्ची का पाउडर भी मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला, क्योंकि मुझे चटपटा अच्छा लगता है ये। बट आप चाहें तो आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और आधी ही हरी मिर्ची को कूटने में डालें, तो स्पाइसी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा चटपटा बनेगा। तो मिर्च और स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने मैश किया है कि एकदम घुल चुके हैं बैगन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बैगन है, और प्याज टमाटर डाला हुआ था। अच्छा मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ एडजस्ट करने के लिए, आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक कर 4-5 मिनट तक दम पर स्लो आंच पर पकने दीजिए, सो दैट सारी चीजें इन्फ्यूज होंगी अंदर, तो और ज्यादा टेस्ट आएगा हमारे बैगन का। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए तेल भी छूट चुका है। मैंने तेल वैसे कम डाला था, आपको तेल ज्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, बेशक चूल्हा कर दीजिए बंद और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये बन गया हमारा मजेदार सा चटपटा डिलीशियस बैगन का भरता, वन ऑफ माई फेवरेट वेज रेसिपीज। तो ये देखिए कितना मजेदार और बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कीजिए। हरी मिर्ची लाल मिर्ची का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए। जो फ्रेशली मसाला हम कूट के एंड में डालते हैं ना, तो उससे जो खुशबू हरी मिर्च और लहसुन की जो सौंधी सौंधी कच्ची कच्ची खुशबू आती है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं एंड में डालती हूँ। आपको ऐसी पसंद नहीं है तो आप स्टार्ट में जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तब डालें, या फिर वो टोटली स्किप कर सकते हैं। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए अगर आप बनाए तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।